सो देख पा रहे हो ये कुछ इस टाइप का कंडीशन हुआ गाइस, बहुत मतलब बहुत डेंजर टाइप का रोड में पूरा फोन ईयरफोन जब फंसा ना सो फोन मेरा निकल कर फेंका गया था एंड फिर टूट गया, इधर से भी उखड़ गया एंड अपना फ्रंट कैमरा मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और अब हम लोग निकल रहे हैं रिटर्न, बाकी वो अपना समझे कहाँ फंसी है नहीं फंसी है, वहाँ से वो पैदल भी जा सकती है। भाई अगर यहाँ गाड़ी बंद हुई ना सच में यहाँ धक्के लगा कर जाना पड़ेगा हम लोग को। लिटरली मेरे को लगा ना कोई हेवी बाइक आ रहा है या स्पोर्ट्स बाइक R15 वगैरह या फिर D90 वगैरह होगा, नहीं राइड करेंगे बिना पेट्रोल के जो भी रिजर्व में है उतना ही राइड करेंगे। ओह देख रहे हो भाई, उसके लिए मिलना आज होली है ना, हाँ तो उसके लिए आज नहीं मिलेगा गाड़ी भारी। यार कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है इसके लिए आई एम सॉरी, बट आप सभी को मेरी यूट्यूब फैमिली को शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद एंड साथ ही साथ हैप्पी होली एंड हैप्पी होली का जो भी होता है सो वो सारी चीज़ों का मुबारकबाद है मेरे यूट्यूब फैमिली को। और फिलहाल से मैं आज यहाँ पे धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज छोटा सा सीन हो गया, छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया अपने घर में मतलब मेरे लाइफ में। जो कल होलिका का डे था 7th मार्च शब बारात भी था सो कल हम लोग थोड़ा सा इसमें मेरी भी गलती थी, मैं थोड़ा मूड ऑफ था मेरा मतलब, और मैं वैसे भी मतलब थोड़ा गलत ड्राइव कर दिया एंड सामने में कुत्ता वगैरह आ गया था एंड मैं अनफॉर्चुनेटली मतलब बोलो इस टाइप का बदकिस्मती बोलो सो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही मोमेंट में मतलब लोग का गाड़ी जो है डिसबैलेंस हुआ कि वहाँ पे रोड वगैरह जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब थी एंड जो गिट्टी रहती है ना बड़ी बड़ी पत्थर सो वो नुकीली गिट्टी एक हम जब डिसबैलेंस हुए थे सो हमारे एक पैर में उससे चोट लगी, मतलब हम लोग डिसबैलेंस होकर हम लोग का पैर उसी में चला गया एंड आप लोग समझ सकते हो कि वो गिट्टी जो है वो मेरे शू जो है शू की जो सॉल वगैरह होती है नीचे में लगी हुई रहती है सो वो भी थोड़ा पुराना था सो वो वाला पूरा फाड़ते हुए मतलब मेरा शू का पूरा धजिया उड़ गया सॉल का और वो शू बर्बाद हो गया मेरा, प्लस वो जो गिट्टी थी नुकीली सी वो मेरे एक पैर की जो एड़ी होती है उसमें जॉइंट में उससे मतलब थोड़ा सा चोट लग गया एंड वो फूल गई थी और ब्लीडिंग जो है वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी और गड्ढा टाइप का हो गया था, आपको भी दिखा दे रहा हूँ प्रूफ, मेरे पास कल का कोई प्रूफ नहीं है जो भी क्रैश टाइप का हुआ थोड़ा बहुत उसका प्रूफ नहीं है बट चोट मेरे को लगी है एंड इसकी वजह से अभी थोड़ा सा घर में इशू चल रहा है। ऐसे भी ये व्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह के लिए फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, सबसे लड़ झगड़ कर मैं ये व्लॉग वगैरह आपको क्लिक कर रहा हूँ, बट फिलहाल अभी पापा जो है वो अपने रूम में, मेरे भाऊजी है वो अपने रूम में लेटे हुए एंड रेस्ट कर रहे हैं एंड अभी हम लोग देख सकते हो ये अपना हेलमेट मैं इसे साथ में लेकर सोता हूँ। सो ये सब भी रीज़न है मतलब फैमिली का सपना करने का, थोड़ा मैं ज़्यादा ही कर देता हूँ कभी कभी, सो यही सारा सीन है एंड अभी हम लोग धीरे से मतलब पापा मेरे रेस्ट कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है उनकी नॉलेज के बिना हम लोग बाहर निकल रहे हैं वापस से। अभी मे भी मेरे को लगता है ना कि एक वीक तक मेरे को ये गाड़ी वगैरह चलाने से मतलब बैन कर दिया गया है, बट फिर भी हम लोग को ब्लॉग बनाना है, सब लोग चुपके से धीरे से निकलेंगे बाहर, हेलमेट हमारा यहीं पे एंड हमारा फ़ोन का कंडीशन आपको दिखलाता हूँ। सो ये देख रहे हो मे भी आप लोग को दिख रहा है यूट्यूब का फोटो गया, देखो यहाँ पे मतलब स्क्रीन है ना ये हल्के से टूट गई है, आपको बैक कैमरा से दिख MI का ईयरफोन था वो भी मतलब मैं बाहर शर्ट के बाहर से अंदर से इन नहीं किया था ईयरफोन को, शर्ट के बाहर से था। सो ये देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का टूट चुका है एंड ये ईयरफोन मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, 550 रुपीज़ का MI का ओरिजिनल ईयरफोन था। सो इसकी माइक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी एंड साउंड भी अच्छा था, बट सबसे मेन जो है मेरे को माइक की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके रहते हुए, बट आप देख सकते हो ये किस टाइप का बहुत ख़तरनाक टाइप का मतलब जैक के पास ये हैंडल में फंस गया था एंड अपना फ़ोन का कंडीशन देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा ये लग गया है एंड मेन जो प्रॉब्लम है ना गाइस गिरने के बाद मेरा फ़ोन वोन सब फेंका गया था। सो ये देख सकते हो यहाँ पे डिस मेन टच है, ये टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगा हुआ है, मेन टच जो मेरा है वो देख पा रहे हो तुम लोग, मे भी यहाँ पे टूट गया है देख सकते हो एंड एक चीज़ और हुआ यहाँ पे दिखाता हूँ अभी, ये देखो ये पूरी ना बाहर निकल गई है, ये देख रहे हो
हल्का सा मतलब बचा हुआ, नहीं तो यार इसका पत्ती वत्ती कट जाता ना टच का, टच और डिस्प्ले साथ में मेरा। सो देख पा रहे हो ये कुछ इस टाइप का कंडीशन हुआ गाइस, बहुत मतलब बहुत डेंजर टाइप का रोड में पूरा फोन ईयरफोन जब फंसा ना सो फोन मेरा निकल कर फेंका गया था एंड ये टूट गया, इधर से भी उखड़ गया। एंड अपना फ्रंट कैमरा मैं अभी दिखाता हूँ आपको। सो ये देखो ये अपना मैं कैमरा, देखो ये सब मैं लाइव आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आप लोग बोलोगे यार एडिट किया। देखो ये मेरा बैक कैमरा एंड अपना फ्रंट कैमरा मैं जब स्विच कर रहा हूँ तो देखो कुछ इस टाइप का आ रहा है। ये मैं लाइट को ऑफ करता हूँ, ये देखो ये कुछ इस टाइप का आ रहा है। सो अपना फ्रंट कैमरा भी जा चुका है एंड एक फ़ोन हमारे पास था अच्छा, बट अब वो भी नहीं है। बैक कैमरा अभी फ़िलहाल प्रॉपर वर्क कर रही है, थोड़ी सी सही काम कर रही है। सो यही सारा सीन हुआ एंड हम लोग निकल रहे हैं। अब फिलहाल मेन बात ये करते हैं कि मैं अभी धीरे से, मेरे लिए सबसे मेन जो कंपटीशन है ना वो देखो ये एड़ी में मेरा चोट यहाँ पे आप देख सकते हो, देख पा रहे यहाँ पे दवा वगैरह लगा हुआ है फिलहाल से, बट आप लोग देखोगे थोड़ा सा गड्ढा टाइप का हो गया, मतलब वो जो गिट्टी का नुकीला पार्ट था ना वो पूरी अंदर तक घुस गई थी मेरी, ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी इतना सीरियस, मतलब थोड़ा सा इंजरीज हो गई थी मेरी। एंड हम लोग वैसे में मतलब जैसे तैसे करके घर वापस आए एंड शू के लिए भी मेरे को डांट पड़ी बिकॉज शू का पूरा सॉल उड़ गया मेरा, पूरा फट गया है, वो पहनने के लायक नहीं बचा। एंड अभी हम लोग नया वाला शू निकालेंगे, वो सामने ही में रखा हुआ है। एंड हेलमेट मेरे रूम में, जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने बेड पे लेके सोता हूँ अपने हेलमेट को। एंड चाबी भी मेरे पास है, चाबी भी नहीं छीना है हमारी, चाबी मेरे ही पॉकेट में। सो मेन कॉम्पिटिशन यहाँ पे है ना कि अपनी जो स्कूटी है वो हॉल में लगी हुई अपनी, एंड हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर में, सो अभी हमें ग्राउंड फ्लोर में उतरना है। सो रेलिंग वगैरह हम लोग पकड़ कर धीरे धीरे मतलब एक पैर से उतर जाएंगे, बाकी जब हम लोग उतर जाएँ सो हम लोग ड्राइविंग तो कर लेंगे, बैलेंस वगैरह मेरे को प्रॉब्लम नहीं। मेरे लिए मेन कॉम्पिटिशन ये है कि मेरे को फर्स्ट फ्लोर से अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर में उतरना है। सो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बिकॉज यार दो सीढ़ी भी मतलब है ना मेरे चाह नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा दर्द है। एंड एड़ी मेरी जो है वो लेफ्ट पैर में फिर से लग गई चोट मेरी। सो एड़ियों की जो जॉइंट होती है ना वो जॉइंट में मेरे को जॉइंट में भी थोड़ी सी हड्डियों में लगी हुई है, सो इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा पेन होता है। और देखते हैं हम लोग अगर उतर पाते हैं पैर वार ना मुझे, फिलहाल हम लोग रेलिंग जो होती है सीढ़ियों में वो पकड़ कर हम लोग उतरेंगे। एंड वहाँ अगर हम लोग उतर जाते हैं तो आज पक्का हम लोग कुछ उखाड़ कराएंगे, आज ब्लॉग में कुछ ना कुछ हम लोग करके आएंगे गाइस। एंड मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यार मेरे फैमिली से मेरे को सपोर्ट नहीं है एंड फिलहाल ऐसा सा मतलब कल जो ब्लीडिंग मेरा रुक नहीं रहा ना वो देखकर भी थोड़ा सा मेरा पापा मतलब थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हुआ है। सो मालूम नहीं आने के बाद क्या होगा मेरे साथ। सो बट ब्लॉग हम लोग बनाने जाएंगे, ब्लॉग बनाकर आएंगे एंड वापस आना अपने को जल्दी से। एंड बाकी आने के